बच्चों जैसा कि आपको पता है हम बढ़ रहे हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसकी विविध प्रश्नमाला चल रही है। जस्ट पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया बच्चों, आशा करता हूं अब जो हम दूसरा और तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं जो भाग 23 हमारा वो आपने पहले से ट्राई कर लिया होगा। ठीक है तो मैच करते हैं, आ जाइए बोर्ड पे। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो एफ 1.1 1.1 माइनस एफ 1, तो ये तो आपको निकालना पहले से आता है बच्चों, बहुत आसान है। अच्छा यहाँ पे एफ लगा हुआ नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, देखो है ना। तो जब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो ये वैल्यूज पहले मैं निकाल के तुम्हें दे दूँ, ध्यान से देखिए बच्चों ना। तो ये 1.1 यहाँ पे अगर अपन रखें तो बच्चों क्या आएगा, 1.1 का स्क्वायर यानी कि 1.21 1.21। ठीक है अच्छा, इसकी वैल्यू हो गई। अब निकालते हैं बच्चों इसकी एफ 1 की वैल्यू, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर दैट इज 1, और कोई वैल्यू में निकालने की आवश्यकता है नहीं, ये वैल्यूज यहाँ पर अपन सब्सटीट्यूट करते हैं बच्चों, रखें एक बार वैल्यूज तो प्रश्नानुसार लिख देना भाई। इसकी वैल्यू कितनी है, 1.21 माइनस 1 1.1 माइनस 1, बस कैलकुलेशन तुम्हें करनी है तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है करें कैलकुलेशन। अच्छा 1.21 में से 1 घटा दो तो कितना बचेगा, 0.21 1.1 में से 1 घटा दो क्या बचेगा, 0.1। ये कैलकुलेशन करोगे बच्चों तुम्हारा आंसर प्राप्त होगा 2.1, खत्म कहानी। बहुत छोटा सा प्रश्न कर लेंगे ना बच्चों, बहुत आसान है, तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, बढ़िया प्रश्न बच्चों है ना, प्रांत ज्ञात करना है, क्योंकि बच्चों 2.3 में ना प्रांत और परिसर के बहुत कम क्वेश्चन दिए हुए हैं अपनी प्रश्नवाला में एनसीईआरटी में, तो मैं चाबी रहा था तुम्हें प्रांत और परिसर के क्वेश्चन और कराऊं। आगे क्वेश्चन, फलन एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का प्रांत ज्ञात कीजिए। अब पता है तुम्हें इसको कौन सा फलन बोलेंगे, रेशनल, याद आ रहा है 1/x वाला किया था अपन ने, ग्राफ बनाया था। अरे भूल गए क्या बच्चों, ऐसे पढ़नी पड़ेगी, पिछला वीडियो ढंग से देख लेना एक बार, ये इस तरह का ग्राफ अपन ने बनाया था, याद आया कुछ? ठीक है परिमेय फलन 1/x वाला, चलो याद आ गया तुम्हें, मुझे पता है। अब बच्चों ये क्या कर रहा है, अब जो कब प्रांत ज्ञात कीजिए, तो प्रांत क्या होता है, x के वे सभी मान जिनके लिए फलन परिभाषित होता है। अब याद करो बच्चों मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी कि फलन जिन मानों के लिए परिभाषित होता है वो मान ज्यादा होते हैं, हमें उल्टा करना है, हमें पहले आंखें हमारी किस पे जमानी है बच्चों, कि किस मान पर फलन परिभाषित नहीं है उसको अलग कर देंगे, बस कहानी खत्म। अब जब पी बटा क्यू वाले आते हैं, मैंने परिमेय फलन में तुम्हें पढ़ाया था एफ एक्स बटा जी एक्स में क्या होता है बच्चों, ये वाला पोर्शन जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला नंबर जीरो होता ही वो अपरिभाषित हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या देखना है बच्चों, हमें देखना है कि ये जो वैल्यू है ना, कौन सी वाली वैल्यू, ये जो नीचे वाला फलन हमारा, ये जीरो किन मानों पर होगा, बस उनके अलावा सारी वास्तविक संख्याएं हमारा प्रांत होगी। ठीक है अब 10वीं क्लास की बातें याद आ रही है, इनको अगर जीरो के बराबर करना है तो पहले इसको जीरो, ये जीरो किस पर होगी हमें ये चेक करना है ना, तो बराबर जीरो अपन कर दें। ठीक है अब फैक्टराइजेशन मेथड 10वीं क्लास की बात करो, द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि याद है क्या सभी को, बिल्कुल तुम्हें याद होगी मुझे पता है ना। तो माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस 12 इसके गुणनखंड कर लेना बच्चों, यहां से टुकड़े बनाएंगे x माइनस छ, तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, x माइनस 6 और x माइनस 2, यानी कि ये जो नीचे वाला फलन है बच्चों, नीचे वाला जो हमारा पॉलिनोमियल है ना, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, बहुपदीय फलन जो हमने पढ़े थे, x बराबर 6 और x बराबर 2 पर जीरो होगा, और ये जीरो होगा तो फिर ये अपरिभाषित हो जाएगा, तो अपरिभाषित हो जाएगा तो ये तो प्रांत में होगा ही नहीं। इसका मतलब सर आप ये लिख दो, 2 और 6 के अलावा सभी वास्तविक संख्याएं हमारा प्रांत होगी, बात समझ आ रही ना। तुम क्या लिखेंगे, इसका प्रांत क्या हो जाएगा, सभी वास्तविक संख्याएं किसके अलावा, 6, 2 के अलावा, खत्म कहानी। या और तुम दूसरे तरीके से ले सकते हो, प्रांत क्या हो जाएगा, एक्स जहां x रियल नंबर एक वास्तविक संख्या, ठीक है, तथा x is not equal to 2, ये लो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क वाली बात नहीं है, बहुत आसान है।
तो बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब लेकिन आप ऐसा कर दोगे तो एग्जामिनर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाएगा, उसको एक एक बात समझानी पड़ेगी। आप क्या लिखोगे देखो, चलो ये तो कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है, अपन ने वर्बली कर लिया, तुम मेरी बातों को सुन भी रहे हो, तो मेरा सुनना और लिखना दोनों मिला के आपका कंप्लीट एक पैकेज मिल रहा है और आपको समझ में पूरा आ रहा है। एग्जामिनर के पास केवल आपकी कॉपी जाएगी, जो आप लिखोगे वही जाएगा, उसको उसके पास ये नहीं जाएगा आपने क्या सोच कर लिखा। तो वो जो सोचा ना आपने वो भी लिखना पड़ेगा वहाँ पे। मतलब बच्चों सोचना सीखो, सोचना और सोच जो सोच रहे हो ना उसको लिखना भी सीखो, तभी नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो ना, आप क्या लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं एफ एक्स बटा जी एक्स फलन परिभाषित तभी होते हैं जब जी एक्स जीरो के बराबर जी एक्स जीरो के बराबर नहीं हो। ठीक है, अब ये फलन अपरिभाषित कब होगा, जब एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस बारह बराबर जीरो, यानी कि एक्स बराबर छः व दो पर फलन एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस बारह अपरिभाषित होगा। अतः इसके अलावा सभी वास्तविक संख्याओं में हमारा फलन परिभाषित होता है, अतः प्रांत ये लीजिए खत्म। मतलब अपनी भाषा में समझ गए मेरी बात को। चलो बच्चों, तो वीडियो को पॉज करो, नोट डाउन करो, सारी बातें लिखो और अगले क्वेश्चन खुद को ट्राई करना है, फिर वीडियो देखना है। जुड़े रहिए ई विद्या से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।